ओके सो फाइलोटैक्सी के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है. अगेन न्यू पॉइंट विल बी देयर. आप लोगों को पता है कि लीव्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द नोड्स. ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कुछ नोड्स ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, सारे स्टेम्स के ऊपर हम लोग फ्यू नोड्स ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, सो जो जो येलो कलर का डॉट दिख रहा है व्हाट इज दिस? नोड्स. ओके, एंड नोड्स गिव राइज टू साइड ब्रांचेस एंड द लीव्स. ठीक है, हम लोग यहां पर लीफ ड्रॉ करने वाले हैं. चलो स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लो ठीक से लीफ का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है. दिस इज द स्टेम और साइड ब्रांच. ये प्लांट का स्टेम है और साइड ब्रांच है. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लीफ ड्रॉ करने वाले हैं. वो लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, सिर्फ इतनी बात आपको समझना है. नाउ आई एम ड्रॉइंग वन लीफ हियर. दिखा? ठीक है, नाउ वन लीफ दिस साइड. आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, नाउ सेकंड थिंग बाद में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, पहले पिक्चर समझ लो ठीक से. क्लियर हो रहा है? डिफरेंस दिख रहा है क्या? वेरी गुड. ठीक है, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट. किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? अरेंजमेंट. किसका अरेंजमेंट? लीव्स का ऑन स्टेम. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दिस इज कॉल्ड एज द फाइलोटैक्सी. ठीक है, फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज द फाइलोटैक्सी. नाउ हियर दिख रहे कुछ? ऑल दीज आर लीव्स. ये सब के सब लीव्स है. ठीक है, चलो स्टार्ट करिए अभी. अब नाउ लिसन केयरफुली, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पिक्चर के रिगार्डिंग. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर व्हाट इज दिस? येलो कलर का डॉट, नोड. ठीक है, वन नोड. कितना नोड है? वन नोड. ओके, वन नोड पर कितना लीफ है? वन लीफ. वेरी गुड. ठीक है, वन नोड वन लीफ. ओके, वन नोड वन लीफ, वन नोड वन लीफ. ओके, हियर वन नोड, वेरी गुड. कितना लीफ है? टू लीव्स. वन नोड टू लीव्स. हियर वन नोड मैनी लीव्स. ठीक है, मल्टीपल बोल सकते हो आप लोग, मैनी बोल सकते हो. ठीक है, कहीं पर फाइव दिखेगा, कहीं पर फोर सिक्स आ जाएगा. ठीक है, ढेर सारे लीव्स. इतना क्लियर हुआ? ओके, नाउ लुक एट दिस. वन नोड वन लीफ, वन नोड टू लीव. सिर्फ अब आपको यहां पर लीफ का अरेंजमेंट देखना है. ठीक है, देखो ये एक नोड है, इसके ऊपर लीफ आया है हमारे राइट साइड में, एंड वन लीफ लेफ्ट साइड. राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसा चलता रहेगा. ठीक है, वन नोड गिव राइज टू ओनली वन लीफ, बट एक लीफ राइट साइड में है स्टेम के और दूसरा स्टेम के लेफ्ट साइड में, अगेन स्टेम के राइट साइड में, अगेन स्टेम के लेफ्ट साइड में. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट. क्या है? फाइलोटैक्सी. दिस इज कॉल्ड एज द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. क्लियर हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट फाइलोटैक्सी? वन लीफ अराइजेस फ्रॉम वन नोड, बट द अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज कैसा है? अल्टरनेट. मतलब राइट साइड ऑफ स्टेम वन लीफ, सेकंड नोड पर लेफ्ट साइड ऑफ द लीफ स्टेम. क्लियर हुआ? स्टेम के राइट साइड में एक लीफ आएगा, नेक्स्ट नोड पर स्टेम के लेफ्ट साइड में एक लीफ आएगा, अगेन राइट साइड में एक लीफ आएगा, अगेन नेक्स्ट नोड से लेफ्ट साइड में एक लीफ फॉर्म होगा. क्लियर हो गया? समझ में आया? नाउ सेकंड इज वन नोड गिव राइज टू टू लीव्स. वन नोड गिव राइज टू टू लीव्स. अब यहां पर देखो क्या यहां भी वैसा अरेंजमेंट है, एक राइट साइड में आ रहा है एक लेफ्ट साइड में आ रहा है, अल्टरनेट आ रहा है? नो, एट अ टाइम वन राइट साइड वन लेफ्ट साइड. ठीक है, मतलब स्टेम के कौन सा साइड? गुड, कौन सा? अपोजिट. ठीक है, स्टेम के अपोजिट साइड में फ्रॉम वन नोड हाउ मेनी लीफ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? टू लीव्स. एट अ टाइम सिंगल नोड पर टू लीव का फॉर्मेशन होगा, बट अपोजिट साइड में. दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी. क्लियर हुआ? इट इज कॉल्ड एज द अपोजिट फाइलोटैक्सी. लास्ट वन, वन नोड गिव राइज टू मेनी लीव्स. ईच एंड एवरी नोड से ढेर सारा लीव फॉर्म होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज दिया है वर्ल्ड. वर्ल्ड नो, इट इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. दिस इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. क्लियर हुआ? थ्री टाइप का फाइलोटैक्सी समझ में आया. सबसे पहले बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी. सो जनरली मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी. फर्स्ट वन,
इट्स अल्टरनेट फालोटैक्सी, अपोजिट फालोटैक्सी एंड वर्ल्ड फालोटैक्सी. सो अल्टरनेट फालोटैक्सी के अंदर वन लीफ अराइजेज एट वन नोड, बट द अरेंजमेंट इज अल्टरनेट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट फालोटैक्सी. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? ठीक है, वन नोड टू लीव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टेम कॉल्ड एज अपोजिट फाइलोटैक्सी. ठीक है, वन नोड मेनी लीव्स इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक है, कुछ एग्जांपल्स रहेंगे इसके. सो इन केस ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी द कॉमन एग्जांपल इज अल्स्टोनिया. हियर अपोजिट में मस्टर्ड एंड सनफ्लावर मिल जाएगा आपको. ठीक है, अल्टरनेट विल बी चाइना ग्रास. ठीक है, क्लियर? लिखो चलो.